The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Let's talk about tips, right? Some health tips to avoid a heart attack or a heart failure. आप ऐसा क्या करें कि आपको आगे ज़िंदगी भर दिल का दौरा या दिल की कमज़ोरी ना आए। बहुत सिंपल टिप्स दिया जाएगा आपको। गलती आप हम ही करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारी ही होती है और इसी मिस्टेक के चलते हम भुगतते हैं। सबसे पहला टिप, सबसे बड़ी टिप है एक्सरसाइज। बाकी सारे बोलते हैं ना, सात खून माफ है ना, सात खून माफ है अगर आप एक्सरसाइज करते हो। जी, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो सात खून माफ है हार्ट के तरफ से, बिकॉज एक्सरसाइज ओवरकम करती है काफ़ी सारे बैड फैक्टर्स को। सो आपको सबसे पहले किसी भी तरीके की, किसी भी लेवल की एक रेगुलर एक्सरसाइज अपने लाइफ में घुसानी है। एक रेगुलर एक्सरसाइज लाइफ में घुसानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है एक हार्ट के पेशेंट को, एक डायबिटीज़ के पेशेंट को, थायराइड के, पॉलीसिस्टिक किडनी के, ब्लड प्रेशर के। ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जिसमें एक्सरसाइज ज़रूरी ना हो ट्रीटमेंट के लिए। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने अपने लाइफ में डालनी है। द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दिस इज़ cardiovascular exercise. So walking, jogging, running, skipping, cycling, anything you want to do is good. The second most important tip to prevent heart attacks, heart failure is to avoid dangerous junk food. जी हाँ, जितना आप junk food कम खाएंगे उतना आपका हार्ट का रिस्क कम होगा। What is this junk food? वनस्पति घी से बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बाहर से पैक्ड किसी चिप्स या कोई कुरकुरे या कोई कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट पैक होके आई आप खा रहे हैं। बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, दीज आर ऑल जंक फूड। जी हाँ, इसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, ट्रांस फैट है और न्यूट्रिशियस मटेरियल, वाइटामिन्स बहुत कम है। सो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके घर में, आपके शरीर में गंदगी की तरह आती हैं, गंदगी की तरह जमा होती हैं और धीरे धीरे आपको हार्ट अटैक, बीमारियों, ओबेसिटी, मोटापा, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन बीमारियों की तरफ ले जाते हैं। सो कभी कभार एक आध महीने में खा लिया टेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन अपने डेली या हर हफ्ते हर दिन हर चीज़ मत खाया करो। ओके, रिमेंबर दैट वंस इन अ वाइल इज़ फाइन। सेकंड चेंज ये हो। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इज़ वेजिटेबल्स। सब्जियाँ आप जितनी खाओगे, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, जितनी सब्जियां खाओगे उतना हार्ट सेफ रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। वेजिटेबल्स आर द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, राइट। सब्जियां आपके लिए सबसे अच्छी हैं। वेजिटेबल जो मार्केट में सस्ती मिल रही हैं, जो सीज़न में है वो खानी है। कौन सी खानी है करनी है, जिस सीज़न में जो सस्ती है वो उस सीज़न के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है। जो ग्रो सबसे ज़्यादा हो रही है वो हेल्दी उसी सीज़न के लिए है। सो फल फ्रूट, और पहला है फल फ्रूट, वेजिटेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और दूसरा है फल फ्रूट। जितने फल फ्रूट खाने हैं आप खा सकते हो। अनलेस आपको डायबिटीज़ है, मोटापा है, तो थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा, 2 या 4 या 6, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट इतना खा सकते हैं। सो वेजिटेबल्स खाइए बहुत ज़्यादा, फल फ्रूट, ये तीसरी टिप है आपके लिए। चौथी टिप जो आपके लिए है वो है नींद की। जी हाँ, जो लोग अच्छे से सोते नहीं हैं, रात को नींद नहीं लेते, उनको बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, विच इंक्रीजेज योर इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर रिस्क होगा, हार्ट के अटैक होंगे, दिक्कत बढ़ेगी। सो नींद भाई साहब 7 से 9 घंटे की लेनी है, 6 घंटे सोना नींद नहीं होती। ये चौथा टिप है आपके लिए। 7 to 9 आवर्स की नींद चाहिए, तो अच्छे से सोइए। इनसोम्निया के ऊपर कई सारे वीडियो हैं, अगर आपको नींद नहीं आते तो वो वीडियो देख लेना। पांचवी टिप जो आपके लिए है इसके बाद वो है पानी। जी हाँ, पानी आपको अच्छे से लेना है। एक डिहाइड्रेटेड बॉडी अपने आप में हैवीली स्ट्रेस्ड होती है। कई सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, चाहे वो प्लेटलेट कम हो, खून गाढ़ा हो, या कहीं मांसपेशी में दर्द हो, कई सारे प्रॉब्लम्स केवल पानी की मात्रा बढ़ा देने से, किडनी में स्टोन हो, किडनी प्रॉब्लम हो, ये पानी की मात्रा बढ़ा देने से प्रिवेंट कर जा सकते हैं, ठीक किए जा सकते हैं। अनलेस और अनटिल आपका हार्ट फेलियर है, हार्ट कमज़ोर है, जिस केस में आपको पानी कम पीना है, क्योंकि आपका हार्ट हैंडल नहीं कर पाएगा। वरना आप पानी अच्छी मात्रा में 3 से 4 लीटर कम से कम पीजिए। पानी यानी लिक्विड्स, कोई भी लिक्विड्स आप ले सकते हैं। छठी टिप्स जो आपके लिए है वो है स्ट्रेस से रिलेटेड। स्ट्रेस आपकी लाइफ में, सबके लाइफ में है, किसी के कम, किसी के ज़्यादा, किसी के आता जाता रहता है। स्ट्रेस को आप कम करें, जितना स्ट्रेस को कम करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि स्ट्रेस भी हार्ट को, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, हर चीज़ को बिगाड़ देता है। सो स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करेंगे, अपने दिमाग में जो भी प्रॉब्लम है, काम की है, लाइफ की है, फैमिली की है, रिलेशनशिप की है, उसको एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करें। एक मैथ्स का प्रॉब्लम, एक फिज़िक्स का प्रॉब्लम, एक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम आपको याद है, राइट। एक स्कूल के अंदर एक बच्चे के किताब में, उसके सिलेबस में जितने मैथ्स प्रॉब्लम होते हैं उतने पूरी ज़िंदगी भर आपके दुनिया में, आपके ज़िंदगी में नहीं उतने प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जब एक छोटा बच्चा इतने सारे प्रॉब्लम्स को लिख के डील करता है तो भूल जाता है, उसको लेके पूरा दिन नहीं घूम सकता। तो आप अपने प्रॉब्लम्स को लेके क्यों पूरा दिन घूमते हैं, उन प्रॉब्लम्स की एक डायरी बनाइए, उसको लिखिए और उसको सॉल्व करिए। अगर जंगल में फंसोगे, जंगल में कहीं फंसोगे तो सर पे हाथ रख के बैठे रहने से तो कुछ सलूशन नहीं होने वाला, राइट। तो सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। जंगल में फंसोगे तो 2-4 रास्ते होंगे, उन्हीं में से किसी एक में चलना होगा। और ये सिंपल कैलकुलेशन है, लिखित में लिखिए कि भाई मेरी ये कंडीशन हो गई, ये ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा लेना, ये लूँगा तो क्या क्या होगा, वो लूँगा तो क्या क्या होगा, ये लूँगा तो क्या क्या होगा। फिर दूर से बैठ के अगले दिन फिर उसको देखिएगा, 2-4 पॉइंट और आएंगे, फिर लिखिएगा, फिर अपना डिसीजन ले लीजिए। इस तरह से आप लाइफ के हर डिसीजन ले सकते हैं, हर स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो छठा, स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेस से जीत गए तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। 7वीं चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है गलत न्यूज़, गलत इन्फॉर्मेशन, उससे बचना। कई सारे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मैं कोई ऐसा कर लो, ये कर लो तो वो बीमारी नहीं होगी, वो कर लो तो वो बीमारी नहीं होगी। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन में पड़ गए, गलत हत्थे चढ़ गए, गलत आदमी के, गलत इंसान के कहना मानने लग गए तो नुकसान हो सकता है। और उस केस में आपके जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बिगड़ सकती है। वो ना सिर्फ डायबिटीज़, क्रोनिक इलनेसेस आपकी होने में बिगाड़ सकती है। कई सारे लोग ऐसे लेके बोलते हैं कि दवाइयाँ बंद कर दो, हार्ट की, इसकी, उसकी, सिर्फ ये खाने लग जाओ, सिर्फ वो खाने लग जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, लहसुन खा लो हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सो प्लीज़ यूज़ योर माइंड्स, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इन दिस कैटेगरी इज़ रिलेटेड टू योर फैमिली। जी हाँ, फैमिली के अंदर बहुत ज़रूरी है एक हारमोनी रखना, क्योंकि एक पर्सन अगर फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताता, फैमिली के साथ अगर आप टाइम नहीं बिताते, सो यू आर नॉट एक्चुअली हैप्पी, राइट। वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर किड्स, यू आर नॉट ट्रूली हैप्पी। अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो आपके बॉडी में वो यूफोरेटिक हार्मोन्स नहीं निकलते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। एक डिप्रेस्ड बॉडी जाने लग जाती है। एक डिप्रेस्ड बॉडी ना तो एक्सरसाइज करेगी, ना तो खाना खाने का मन करेगा, छोड़ के ये छोड़ दे, चलो पिज़्ज़ा खाते हैं यार, कोई बर्गर, आप वो एक्साइटमेंट, वो खुशी इन चीज़ों में ढूंढने लग जाओगे जो आपको घर पे मिलनी चाहिए, जो आपके बच्चों से मिलनी चाहिए, आपके घर के जानवरों से मिलनी चाहिए, अपने घर के लोगों की सेवा करने से मिलनी चाहिए। सो इन सारे टिप्स को फॉलो करिए तो आई एम डैम श्योर कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, राइट? सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और हुआ भी, हार्ट अटैक हुआ भी तो आपके पास हमारे वीडियोस हैं, आप उसको देख के रखिए अगर हार्ट अटैक होता है तो क्या करना है बचने के लिए। सो दैट्स ऑल, आई होप दिस ऑल हेल्प्स यू आउट। अगर आपको सही लगा तो जितने टिप्स आपको सही लगे उतने लोगों को ये शेयर ज़रूर करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे हेल्दी।